ओम शांति। और आप सभी अव्यक्त स्थिति का बहुत सुंदर अनुभव कर रहे होंगे। अव्यक्त स्थिति का अर्थ है व्यक्त भाव से परे रहना, अव्यक्त विचार, अव्यक्त दृष्टि, अव्यक्त फीलिंग, अव्यक्त स्वरूप का अभ्यास, ये सब अव्यक्त स्थिति के अंतर्गत आता है। इसके लिए परम आवश्यक है कि हमारा मन किसी भी डिस्टर्बेंस में ना हो। सभी तरह के डिस्टर्बेंस से मुक्त रहने वाली आत्माएं इस स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं, और ये डिस्टर्बेंस ज्ञान के बल से, स्वमान के बल से, ईश्वरीय नशे के बल से और योग बल से समाप्त किया जा सकता है, ताकि हमारा जीवन ऐसा रहे कि हमें कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। हम सदा बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। जीवन में विघ्न आते हैं, विघ्न तो आएंगे, हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये कलयुग का अंत है और सभी के हिसाब किताब चुक्त होने वाले हैं। इसलिए विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्न पावरफुल नहीं, पावरफुल तो हम हैं। विघ्न पावरफुल नहीं, पावरफुल तो हमारा बाबा है। तो यदि हम इस नशे में रहेंगे, कौन हमें साथ दे रहा है, तो हमारी स्थिति बहुत ही पावरफुल रहेगी, विघ्नों के प्रभाव से परे रहेगी। जो मनुष्य छोटे छोटे विघ्न आने पर ही विचलित हो जाता है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को खो देता है या बहुत उदास और परेशान हो जाता है, वो तो अव्यक्त स्थिति से बहुत दूर रहेगा। जनवरी मास चल रहा है, हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाएं, हल्का करें और पावरफुल बनाएं, लाइट और बहुत माइंडफुल। जो लाइट हैं वो माइंडफुल हो ही जाते हैं, तो बहुत लाइट करें। कुछ बातों को हम विघन समझे ही नहीं। कई मनुष्य हर छोटी छोटी बात को विघन समझ लेते हैं, जिनमें फीलिंग का संस्कार बहुत ज्यादा है, उन्हें हर छोटी बात विघ्न रूप बन जाती है। हम फीलिंग से परे श्रेष्ठ स्वमान में, महान विचारों में स्थित रहेंगे, तो जीवन में आने वाली बहुत सारी छोटी मोटी बातें तो हमें ऐसे ही लगेंगी, ये तो आती हैं और चली जाती हैं। हमारी श्रेष्ठ स्थिति के सामने ये बातें ठहरेंगी नहीं। और कभी यदि बड़ा विघ्न आ जाए तो भी घबराए नहीं, स्वयं की स्थिति को विघ्नों में न कर दें, बल्कि समाधान स्वरूप बनाएं। विघ्न आते हैं, जैसे हमारे पास कोई बीमारी आ जाए, कुछ लोग बीमारी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका ठीक ठीक उपचार करते हैं, समाधान करते हैं। तो परिस्थिति विघ्न हमारे पास भी आएंगे अवश्य, परंतु हमें उनका उपचार करना है, समाधान करना है। और समाधान यही कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे साथ स्वयं भगवान है, उससे हम रोज सवेरे वरदान लेते रहेंगे, तो ये विघ्न समाप्त होते जाएंगे। और याद रखें, जब भी किसी बाबा के बच्चे के पास कोई विघ्न समस्या आती है, तो सवेरे बाबा उसका समाधान टच करता है। यदि हम क्लियर बुद्धि रख कर योग करेंगे, तो सहज ही हमें समाधान प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी की बुद्धि बहुत एंगेज है, परेशान है, तो बाबा श्याम के समय भी, दूसरे अमृत वेले में भी समाधान टच करता है। तो हम जरा ऊपर की ओर देखा करें और अपनी स्थिति को निर्विघ्न, किसी भी डिस्टर्बेंस से परे रखते चलें। ये हमारे अपने हाथ में है, याद रखेंगे। हम सरल चित्त होंगे तो विघ्न भी सरल होकर नष्ट हो जाएंगे। तो आज सारा दिन ये नशा रहे, कौन मुझे साथ दे रहा है।
और स्वमान का अभ्यास चलता रहे, मैं स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ, और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, तो उसकी छत्र छाया में आज सारा दिन अव्यक्त होकर रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।